एक बार फिर से पहाड़ी बारिश ने लखीमपुर खीरी के किसानों के माथे पर शिकन ला दी है। बाढ़ के चलते नदियां उफान पर हैं, नतीजा हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। हालात ये है कि किसानों को अब दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सरकारी सिस्टम सोया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ की कहर में बेहाल जिंदगी, अन्नदाता हुआ भटकने को मजबूर, सिस्टम के आगे सिसकते किसान, राहत की बात अभी बहुत दूर। तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं, जहां बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है ये समझना मुश्किल नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर नेपाल सीमा से सटे इस जनपद में दिखाई दे रहा है। नतीजा हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है और जो अन्नदाता अपने खून पसीने से दूसरों का पेट भरता है, वो खुद दाने दाने को मोहताज हो चुका है। लखीमपुर खीरी में धारा प्रवाहित शारदा और घाघरा किस तरीके से कटान का कहर बरपा रही है, उसकी आज लाइव तस्वीर है, न्यूज ऑन इंडिया आपको दिखा रहा है। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे, जरा पीछे से जो ये नदी है, इसमें जो कटान हो रहा है आप देखें, एक किस तरीके से जो मिट्टी है, जो नदी जो है, ये धीरे धीरे नीचे से काटती रहती है। आप देखेंगे इसे गौर से तो ऊपर का हिस्सा लगा हुआ है और नीचे नीचे जो नदी है, नीचे नीचे काटती रहती है और काटते काटते अंदर ही चली जाती है। उसके बाद जो मिट्टी है, जमीन है, जो उसको गिरा देती है। इस तरफ भी कहेंगे कि इस तरफ भी, यानी तमाम नदी का जो कटान हो रहा है वो यानी दिखाया जाए आपको, क्योंकि किस तरीके से जो नदी है वो काट रही है। देख रहे हैं आप, थोड़ा जोखिम जरूर है, जिस नाव पे हम लोग चढ़े हैं जोखिम जरूर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाएं। तो ये हालात है नदी के कटान के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह कटान जारी है और जहां हम पहुंच सकते हैं वहां अधिकारी क्यों नहीं पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम जहां हम लोग यानी पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग कटान यानी कर रहे हैं, यहां के जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर अभी तक किसी तरीके से चार दिनों से भीषण कटान हो रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं आए। जबकि ग्रामीण जो है वो खून के आंसू बहा रहे हैं, उनकी जमीने पहले तो उनके घर जो आई बाढ़ ने, घर में रखा जो सारी सामग्री थी उसको निगल गई, और अब जब उनकी फसलें, जो जीवन की एक मात्र उनके जीवन के यानी शैली, दो वक्त की रोटी जुटाने का एक ही जरिया था फसलें, अब धीरे धीरे शारदा और घाघरा जो है, ये नदियां जो है वो उनके जीवन को भी निगलने को तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस बाढ़ और कटान को रोकने के लिए क्यों अस्थाई कोई उपाय नहीं किया जाता है, किस तरीके से नहीं उपाय किया जा रहा है। देखो मिट्टी कट गई है और ये अभी थोड़ी देर में जो ये मिट्टी है वो गिर जाएगी। तो इस तरीके का जब नदियों द्वारा कटान किया जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि आखिरकार ये जो जीवन है किसानों का वो किस तरीके से संकट में पड़ा हुआ है। आज जो देश का अन्नदाता है, आज उसके खुद हालात ऐसे हैं कि वो खुद भुखमरी के कगार पे खड़ा है, उसके घर में जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं, और शायद उनको अब यही एक जो सरकारी इबादत होती, सरकारी जो सहायता होती है उसकी उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद कब पूरी होती है ये तो नहीं पता है। अब देखिए हमारे साथ सामने कटने जा रही है, देखिए ये जो मिट्टी है ये सामने कटने जा रही है, ये देखो इस तरीके से नदी कटान करती है, नदी जो कटान करती है इस तरीके से करती है। और हमने आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये शारदा नदी के बिलहा गांव में जो कटान हो रहा है उसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से नदी जो है वो जो अन्नदाता है उसकी फसलों को निगल रही है, अपने आगोश में समेट रही है, सैकड़ों हेक्टेयर भूमि जो है वो राजस्व के नक्शे से गायब हो चुकी है। अब जो किसान है उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो दो वक्त की रोजी रोटी की। देखिए इस तरीके से कटान हो रहा है इस तरीके से। तो न्यूज वन इंडिया आपको ये स्पेशल तस्वीरें दिखा रहा है, थोड़ी जोखिम से तस्वीरें दिखा रहा है, हालांकि डर हमें भी लग रहा है जो यानी जिस तरीके से नदी कटान हो रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे, सरकार सिस्टम में बैठे अधिकारी जो है उनके कानों में यानी मेरी आवाज पहुंचे, ताकि इन ग्रामीणों को किसी तरीके से इस भीषण आपदा से बचाया जा सके। नेपाल से निकलने वाली शारदा और घाघरा नदियों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा कर दिया है कि किसानों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां। जिले के पलिया, निघासन, गोला, धौरहरा और सदर तहसील के दर्जनों गांव में कटान चरम पर है। क्या खेत और क्या घर, सभी उफनती धारा में विलीन हो गए हैं।
पहाड़ों से आने वाला जल सैलाब खीरी में एक बार नई सिरे से बर्बादी की इबारत लिख रहा है। पहले आई बाढ़ ने अन्नदाताओं के घर रखा खाने पीने का सामान अपने आगोश में समेट लिया और उसके बाद जब बाढ़ कम हुई तो नदियों ने कटान करना शुरू कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला तहसील के गांव बेलहा चिट्टिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो नदी है, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो नदी है जिस तरीके से कटान कर रही है, ये मिट्टी जो है कट के गिर रही है। देखो दरारें आ गई हैं, इसी तरीके से जो मिट्टी है ये कटती जा रही है, निरंतर जो नदी है ये मिट्टी काटती जा रही है और ये गांव की तरफ बढ़ती जा रही है। इस तरीके से जो कटान होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जो ये बेलहा चिट्टिया गाँव है इसका अस्तित्व जो है खुद समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ हर वर्ष इंजीनियर आते हैं, दावा करते हैं कि बाढ़ और कटान की परियोजनाएं बनाई जाएंगी। हमें ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल यहाँ इंजीनियर आए थे, उन्होंने बाढ़ परियोजना बनाने का आश्वासन दिया था और कहा था कि आपके गांव को बचाया जाएगा, लेकिन पूरा साल गुजर गया कुछ नहीं हुआ और जब बाढ़ आ गई तो फिर बांस है और तंबू है जैसी तमाम चीजें लेकर वो आ गए। तो इन ग्रामीणों की अब क्या दशा है। और सबसे खास बात है कि लखीमपुर खीरी में जो परियोजनाएं बनाई जाती है वो जो इंजीनियर होते हैं उनके हितों को देखते हुए इंजीनियर अपना प्रपोजल भेजते हैं, उन्हें हितों के अनुसार बनती है, जबकि बाढ़ से और कटान पीड़ित जो है वो दर दर भटकते रहते हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, इन्हीं से हम जानते हैं आखिरकार क्या दर्द है लोगों का, किस तरीके से नदी कटान कर रही है। तो कोई विधायक वगैरह कोई जनप्रतिनिधि या कोई कर्मचारी अधिकारी आए बाढ़ कटान देने? पहले आया रहा है, मतलब जब तक तब तक कोई नहीं आया। तो ये कटान कर रही है इसी तरीके से, तो ऐसे कटान होता रहा तो गांव में आ जाएगी। ये गांव है, आप देख सकते